प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे थे वीडियो नंबर 9 में घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। उससे पहले हम ये जान लें कि बहुपद की घात किसे कहते हैं। बहुपद की घात किसी बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो को छोड़ो, मैं चर एक्स की उच्चतम घात दो है, अतः बहुपद की घात दो होगी। अतः बहुपद पी एक्स की घात बराबर दो होगी। कुल मिलाकर के यदि किसी परिवार में 8 सदस्य हैं तो 5 सदस्य हैं चाहे 3 सदस्य हैं, फिर भी सर्वाधिक उम्र के व्यक्ति को ही इस परिवार का मुखिया माना जाता है। इसी प्रकार सबसे अधिक घात वाले, जो किसी चर की जो सबसे अधिक घात होती है, वो ही बहुपद की घात मानी जाती है। अब घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार देखते हैं। जैसे हमने ले ली घात बहुपद का प्रकार, उसका उदाहरण और उसका व्यापक रूप। जैसे घात एक घात है, बहुपद होगा रैखिक। उदाहरण ले लिया, जैसे हमने 4x+2, व्यापक रूप ax+b, जहां a बराबर नहीं होगा 0 के। दूसरा ये क्रम संख्या है 1, 2, घात भी दो हैं, बहुपद का नाम होगा द्विघातीय। उदाहरण जैसे 4x² + 2x + 4x² + 4x + 1, व्यापक रूप होगा ax² + bx + c, इसमें भी a बराबर नहीं होगा 0 के। a b c ये वास्तविक संख्याएं हैं। नंबर ले लिया 3, 3 घात हैं तो बहुपद का नाम होगा त्रिघातीय। जैसे 4x³ + 4x² + 4x + 4, यानी ax² x³ व्यापक रूप होगा प्लस bx² + cx + d,
ये इस प्रकार जैसे जैसे घातें बढ़ती जाएंगी उनका नामकरण अलग होता जाएगा, व्यापक रूप में बदलता जाएगा। तो अब हम बहुपद के प्रकारों के अध्ययन, बहुपद के प्रकार और बहुपद की घात के अध्ययन करने के बाद हम अध्ययन करते हैं बहुपद का शून्यक। इस शून्यक किसे कहते हैं? शून्यक, बहुपद का शून्यक, यदि कोई वास्तविक संख्या ए बहुपद का शून्यक कहलाती है यदि पी ए बराबर जीरो हो, और स्पष्ट शब्दों में, दूसरे शब्दों में लिखें, कोई वास्तविक संख्या ए का मान बहुपद में रखने पर शेषफल यदि जीरो प्राप्त होता है तो वह वास्तविक संख्या ए, तो वह वास्तविक संख्या ए बहुपद का शून्यक होती है। जैसे पी एक्स बराबर एक्स थ्री माइनस एक, और हमने एक्स बराबर एक रख लिया, वास्तविक संख्या एक ले ली, तो पी वन बराबर एक का थ्री माइनस एक बराबर एक माइनस एक जीरो आ गई, पी एक का मान आया जीरो, अतः एक पी एक्स का शून्यक है। अब हम इन सारी बातों को पढ़ने के बाद हम प्रश्नावली 2.1 को शुरू करते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं? क्वेश्चन नंबर एक लेते हैं प्रश्नावली 2.1 का। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं? कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। जैसे पहला है 4x² - 3x + 7, मैं, अब देखिए इसमें एक चर है x और दोनों घात पूर्ण संख्या में है, मैं चर x की सभी घातें, चर x की सभी घातें पूर्ण संख्या में हैं, अतः एक चर में बहुपद है, अतः एक चर में बहुपद है।
यानी बहुपद होने के लिए, एक चर में बहुपद होने के लिए चर की घात पूर्ण संख्या में होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर दो लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस रूट दो में चर y की सभी घात पूर्ण संख्या में है, चर y की सभी घात पूर्ण संख्या में है, अतः एक चर में बहुपद है। क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं, तीन रूट टी प्लस टी रूट दो में चर टी की सभी घातें पूर्ण संख्या में नहीं हैं, क्योंकि ये रूट लगा हुआ है टी पर, और यानी रूट टी का मतलब होता है टी की घात एक बटे दो, और एक बटे दो परिमेय संख्या है न कि पूर्ण संख्या, अतः एक चर में बहुपद नहीं है। चौथा क्वेश्चन लेते हैं, y प्लस दो बटे वाई, अब इनकी घातों को बदलें, y प्लस ये एक बटे वाई का मतलब है y की घात माइनस एक, y प्लस दो वाई की घात माइनस एक, माइनस एक पूर्ण संख्या नहीं है, मैं चर वाई की सभी घातें पूर्ण संख्या में नहीं है, अतः एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि एक बटे एक ही घात m हो, जब इसको घातांक नियम के हिसाब से, तो एक बटे एक ही घात m हो तो एक ही घात माइनस m हो जाती है। पांचवा, x की घात 10, y की घात 3 और t की घात 50 बहुपद में x, y व t तीन चर हैं, तीन चर हैं, अतः एक चर में बहुपद नहीं है, अतः एक चर में बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दो, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखो, पहला क्वेश्चन है इसमें, दो प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, देखो एक्स स्क्वायर के आगे कोई अंक लिखा नहीं है तो इसका गुणांक एक ही है, एक। क्वेश्चन नंबर दो लेते हैं इसी में ही। दूसरा क्वेश्चन है, दो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स थ्री में एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, अब एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा गुणांक है, क्या कौन सा अंक है, एक, और एक के आगे चिन्ह ऋणात्मक है तो माइनस एक है। तीसरा, पाई अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर के आगे उसका अंक देख लें को किससे गुणा हो रहा है, पाई बटे दो। और चौथा, अंडर रूट दो एक्स माइनस एक में एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, एक्स स्क्वायर का कोई पद ही नहीं है इस बहुपद में तो उसका गुणांक जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीन, इस प्रकार दूसरा प्रश्न खत्म हो गया, केवल इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है। क्वेश्चन नंबर तीन, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दो, और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दो। तो 35 घात का द्विपदी देखें, 35 घात का द्विपदी बहुपद इसमें दो पद होने चाहिए, x की पावर 35 लिख ली और एक पद लिख लो 2x लिख लिया, जैसे 4x लिख लो, 5x लिख लो, और 100 घात के एक पदी का उदाहरण दें, 100 घात का एक पदी तो 3y की पावर 100 लिख लें। क्वेश्चन नंबर चार लेते हैं, क्वेश्चन नंबर चार, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की
घात लिखो। एक नंबर है पाँच एक्स थ्री प्लस चार एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स, दूसरा चार माइनस वाई स्क्वायर, तीसरा पाँच टी माइनस सात, और चौथा तीन। अब देखिए इसमें चार एक्स है, मैं चार एक्स की उच्चतम घात कितनी है, सबसे बड़ी घात तीन है, तीन है, इसलिए बहुपद की घात बराबर तीन। दूसरा इसमें देखें, मैं चर की, चर कौन सा है, y है, चर y की उच्चतम घात दो है, अतः बहुपद की घात दो, और इसमें चर में चर टी की उच्चतम घात एक है, अतः बहुपद की घात बराबर एक, और इसमें चर की घात बराबर जीरो है, अतः बहुपद की घात, क्योंकि इसमें कोई चर है ही नहीं, अतः बहुपद की घात बराबर जीरो, और ऐसे बहुपद को अचर बहुपद कहते हैं, जिसमें कोई चर नहीं होता वो अचर बहुपद कहलाता है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर चार हल कर लिया है, जिसमें पूछा था बहुपद की घात। अब पद पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर पाँच में, क्वेश्चन नंबर पाँच लेते हैं प्रश्नावली 2.1 का, क्वेश्चन नंबर पाँच, निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन 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 द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं, पहला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दूसरा है
एक्स माइनस एक्स थ्री, तीसरा है वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस चार, और चौथा है एक प्लस एक्स, और पांचवा है तीन टी, छठा है आर स्क्वायर, और सातवा है सात एक्स थ्री। तो देखो, मैं इस बहुपद में बहुपद की घात कितनी हुई, तो उच्चतम घात दो है तो बहुपद की घात दो हो गई। अतः बहुपद द्विघाती है। इस बहुपद में बहुपद की घात यानी बहुपद चर की उच्चतम घात तीन है, तो बहुपद की घात तीन हुई, इसलिए बहुपद त्रिघाती है। इसमें चर y की उच्चतम घात दो है तो बहुपद की घात दो हो गई। मैं बहुपद की घात दो है इसलिए बहुपद द्विघाती है, और इसमें चर एक्स की एक घात है तो बहुपद की घात हो गई। मैं बहुपद की घात एक है अतः रैखिक बहुपद है, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, अतः रैखिक बहुपद है। और पांचवा, मैं ये टी की घात केवल एक है तो बहुपद की घात भी एक होगी। मैं बहुपद की घात इसलिए रैखिक बहुपद है। और इसमें आर की घात दो है चर की, तो मैं बहुपद की घात बराबर दो है अतः बहुपद